अगरतला में पीएम मोदी के चुनावी हुंकार, कहा भारत को विकसित बनाने में नॉर्थ ईस्ट की बड़ी भूमिका, लोगों का जीवन आसान करना मेरी प्राथमिकता। भारत को विकसित बनाने में नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए पॉलिटिक्स का नहीं, प्रेम और प्राथमिकता का विषय है। रामलला के सूर्य अभिषेक पर भी बोले पीएम मोदी, कहा 500 वर्ष के लंबे इंतजार के साथ भगवान राम के मंदिर में विराजमान है। सूर्य किरण ने उनका अभिषेक किया जो देश के नए विकास का प्रतीक बन गई है। 500 वर्षों के बाद वो रामनवमी आई है जब भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान है। आज सूर्य की किरणें देश के नए प्रकाश का प्रतीक बन रही है। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर बोली माधवी लता, कहा स्मृति ईरानी से डरते हैं राहुल, केरल में भी होगी उनकी हार, राहुल को चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल पाएगी जगह। अकबरुद्दीन ओवैसी पर माधवी लता का पलटवार, कहा सिर्फ जहर उगलना जानते हैं अकबर। अभी इतने दिन पोलिंग बूथों के ऊपर यही पुलिस को लगाकर ये लोग जैसा चाहे वैसा ना चाहे, अभी इन्हीं पुलिस के ऊपर ये लोग बात डाल रहे कि जहर देते बोलकर, अभी इनके पुलिस के बीच के मामले आई है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला और कहा झूठ और लूट बीजेपी की पहचान बन गई, हमें सुनिश्चित करना होगा उन्हें एक भी वोट ना मिले, बीजेपी का सफाया तय है। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। अगर हम सावधान रहकर के मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा बिहार का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा, इससे बीजेपी को डर लग रहा है, 2015 और 2019 के नतीजों से भी बीजेपी ने नहीं सीखा। भाजपा के लोग डरे हुए हैं लेकिन भाजपा को भी पता है कि बिहार से रिजल्ट जो है उनके हित में नहीं आने वाला, उनके पक्ष में नहीं आने वाला, चौंकाने वाला रिजल्ट आने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा लोगों में उत्साह, जोश और जुनून, बीजेपी इस बार भी सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। प्रचार पूरा हो चुका है, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती है और इस बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आजाद पूनावाला का राहुल गांधी पर हमला, कहा अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब नहीं देते राहुल, कहते हैं बीजेपी का सवाल है। सपा नेता फखरुल हसन का बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमला, कहा बीजेपी ने जो वादे किए थे इन सब मोर्चों पर बीजेपी पूरे तरीके से फेल है। भाजपा ने 2014 में बेरोजगारों से वादे किए थे, किसानों से वादे किए थे, महंगाई कम करने के वादे किए थे, देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा के वादे किए थे, महिला सुरक्षा के वादे किए थे, काला धन वापस लाने के वादे किए थे, भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। आज इन सब मोर्चों पे भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। तमिलनाडु के मदुरै में अन्नाद्रमुक नेता सेलूर के राजू ने चलाया चुनाव अभियान, AIADMK उम्मीदवार पी सरवनन के समर्थन में चुनाव अभियान चलाया। कर्नाटक के बेलगावी में बीजेपी उम्मीदवार ने दाखिल किया नामांकन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे, बेलगावी से जगदीश शेट्टार हैं बीजेपी उम्मीदवार। केरल से बीजेपी उम्मीदवार ने शुरू किया चुनावी अभियान, बीजेपी उम्मीदवार वी मुरलीधरन ने चुनाव अभियान की शुरुआत की। भारतीय चुनाव आयोग ने BRS प्रमुख को जारी किया नोटिस, 5 अप्रैल को टिप्पणी को लेकर नोटिस जारी किया, चुनाव आयोग ने 18 अप्रैल तक स्पष्टीकरण मांगा है। मध्य प्रदेश के सीधी में लोकसभा चुनाव से पहले चरण में पहले सुरक्षा सख्त की गई, सुरक्षा कर्मियों ने किया फ्लैग मार्च। अरुणाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त हुई, चुनाव में किसी भी तरह की कोताही ना हो इसके लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर। मेघालय के तूरा में मतदान केंद्रों पर भेजी जा रही EVM मशीनें, तूरा और शिलोंग के पहले चरण में 19 अप्रैल को होगी वोटिंग।
यादव की चलेगी या फिर जयवीर सिंह की चलेगी या किसकी नहीं चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी, मैनपुरी के लोगों से बात करेंगे। क्यों चाचा आप बताइए, चलेगी या नहीं चलेगी, किसकी चलेगी, डिंपल की जयवीर की? जयवीर सिंह की। क्यों लग रहा है आपको जयवीर की चलेगी और डिंपल की नहीं चलेगी? जयवीर की चलेगी। क्यों? अब क्यों कहा, वो तो देखभाल करने वाला वो आदमी है। भाजपा ठीक लग रही है समाजवादी पार्टी साहब? सही है। अच्छा क्यों नहीं चलेगी, आप बोल रहे हैं नहीं चलेगी डिंपल की, क्यों नहीं चलेगी? भाजपा सरकार से सब साधन मिल रहे हैं, हाँ इसलिए। क्या क्या दिया भाजपा सरकार ने बता? भाजपा सरकार ने राशन, शौचालय, हर सुविधा मुहैया कराई है। हाँ आप बताइए किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, सपा की चलेगी, भाजपा की चलेगी, किसकी चलेगी? बीजेपी, बीजेपी की, बीजेपी की चलेगी। और क्यों नहीं चलेगी, आपके भैया भी तो आप ही के इलाके के अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी की क्यों नहीं चलेगी? अखिलेश जी गुंडागर्दी जाना कराते हैं उनके राज्य में, गुंडागर्दी से लोग परेशान है। अच्छा मैनपुरी के और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, आप बताइए चुनावों में किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, भाजपा की चलेगी, सपा की चलेगी, किसकी चलेगी? मेरे को कन्फर्म नहीं है, मैं तो नया आया हूँ यहाँ पे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए मैं तो मैनपुरी का ही रहने वाला हूँ। फिलहाल अगर वोटिंग की बात की जाए तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ से समाजवादी पार्टी के अलावा कभी किसी की सीट नहीं। मोहन यादव आए हैं तो उनके आने का भी असर रहेगा, चलेगी नहीं चलेगी? आने वाले आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ था, इसे कोई पस्त नहीं कर पाए। दोस्त आपके हैं? जी बिल्कुल। ये दोस्त क्यों नहीं कह रहे, इनकी भी तो बात कुछ मन की हो। ये मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। अच्छा रहता नहीं हूँ इनको यहाँ के बारे में, ये इनकी राय है। आप आगे भी बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनकी राय है। भैया आप बताइए इस चुनाव में किसकी चलेगी? दादा हम तो देहाती आदमी यादव की पत्नी जीतेंगी, कौन जीतेगा क्या लग रहा है? भाई जीत सकती हैं अखिलेश यादव की, कम नहीं। तो आप बताइए किसकी चलेगी चुनाव में, कौन जीतता दिख रहा है? अभी कोई पता नहीं मुझे, कुछ लोग हैं जो माहौल क्या है वो भापने की प्रक्रिया में है, आपको देख रहे हैं। चाचा किसकी चलेगी, क्या लग रहा है कौन जीतेगा, चलेगी नहीं चलेगी? यहाँ किसका कार्यकाल, बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है जब से बीजेपी ने गवर्नमेंट सत्ता संभाली है, एक तो शिक्षा कम कर दी उन्होंने, दूसरा नौकरियां नहीं का बेरोजगार बहुत घूम रहा है। और जब बीजेपी ने सत्ता संभाली थी उस समय देश के ऊपर 50 लाख करोड़ रुपया उधार था। इस आप जो कह रहे हैं इसके हिसाब से किसकी चलेगी, हमको तो हमारे इस बात का अगर आप जवाब दीजिए, चलेगी किसकी, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी? बहुजन समाज पार्टी की चीज। देखिए उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मैनपुरी के लोग हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर राय है। टक्कर सीधे सीधे दो लोगों के बीच है, टक्कर है बीजेपी सपा के बीच, डिंपल यादव के बीच, जयवीर सिंह के बीच, बसपा को लेकर भी जो लोग हैं अपनी राय रख रहे हैं। नोएडा लोकसभा सीट जहां से महेश शर्मा को एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है, तो क्या महेश शर्मा इस बार हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे? जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड पर इन लोगों के मन में क्या है, ये तमाम लोगों से हम जानने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आप ही से भाई साहब बात करना चाहूंगा, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर, बीजेपी की इस बार चलेगी या फिर नहीं चलेगी? चलेगी, लेकिन स्थानीय हमारा जो प्रत्याशी है वो 5 साल में चुनाव के समय ही गाँव में दिखाई देते हैं हमें तो, या कहीं भी रैली में 5 साल से अलग हमें कभी दिखाई नहीं देते वो। और मुद्दे भी बहुत हैं क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में वोट तो मोदी के नाम पर पब्लिक इनको दे देती है, लेकिन इनका स्थानीय लेवल पे कोई कार्य नहीं होता है। मतलब स्थानीय सांसद से आप लोगों की नाराजगी है? स्थानीय सांसद से नाराजगी है। बाकी मोदी और योगी का काम कैसा लगा? मोदी और योगी का काम अच्छा है, लेकिन वो पेपर लीक वगैरह जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं उन पर रोकथाम नहीं हो पा रही है। आप युवा हैं, अच्छा इतना बता दीजिए बीजेपी, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, किसका प्रभाव ज्यादा लग रहा है आप? बीजेपी का रहेगा सबसे ज्यादा, बीजेपी का रहेगा। काम वाम किया है बीजेपी ने युवाओं के लिए, आप युवा है? नहीं काम क्या है, थोड़ा नोएडा में काम हुआ है, गौतम बुद्ध नगर। हाँ जी किया है, काम हुआ है, मानते हैं आप? काम हुआ है पर उस हिसाब से नहीं हुआ, उस हिसाब से काम नहीं। हाँ जी बीजेपी जिस 400 प्लस की बात कह रही है, आपको लगता है 400 प्लस होगा इस बार? 400 प्लस होगा, पर हमारे यहाँ से जो सांसद जी हैं महेश शर्मा जी वो ठीक नहीं है। काम हम किया है बीजेपी ने 400 पार में, क्या लग रहा है आपको 400 पार होगी? 400 पार होगा। भाई साहब आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर? बस बीजेपी को ही वोट देना है। बीजेपी को चलेगी, बीजेपी किस बारे नहीं चलेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी। काम वाम किया है बीजेपी ने?
राम मंदिर बनाया, 370 धारा को तोड़ा और आगे भी भगवान कृष्ण को सजाएंगे मथुरा में। एक सवाल मैं आपसे पश्चिम यूपी से जुड़ा करना चाहूंगा, आरएलडी का साथ इस बार बीजेपी को मिला है, ये बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा? प्लस पॉइंट है, बहुत ज्यादा फायदा बन रहा है। जयंत चौधरी का साथ फायदेमंद होगा? हाँ बिल्कुल। कितना ये फायदा करेगा इन तमाम सीटों पर, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, शामली, बागपत, गाजियाबाद? लगभग सभी सीटों को बीजेपी जीतेगी पर फायदा करेगा। तो आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के चुनाव? मुद्दा तो बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, किसानों का भी मुद्दा है एमएसपी वाला जो है। लेकिन ये है कि हाँ आपकी बार ऐसा नहीं है, जो 400 पार का नारा तो चल रहा है, लेकिन 400 पार ऐसा आसान नहीं है होना, कि 400 पार बहुत मुश्किल है। कितने तक आंकड़ा जाएगा, कुछ अनुमान बताइए? देखो सत्ता में तो आ जाएगी बीजेपी, लेकिन इतना आसान नहीं है, 400 तो बहुत मुश्किल है। सत्ता में वापसी होगी, लेकिन जो बात कही जा रही है 400 प्लस की, वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कुछ नहीं है। क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर, बीजेपी की चलेगी, इंडी गठबंधन की चलेगी, बीजेपी की? बीजेपी काम वाम किया है आपके क्षेत्र में? अच्छा अच्छा, आप ज्यादा बोल नहीं सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान भी मैं आपको नहीं करूंगा, आप बताइए, आप तो बोलेंगे ना। अच्छा, क्या मूड है इस बार चुनाव को लेकर, इतना बता दीजिए? बीजेपी यही, बीजेपी है। इतना मुस्कुरा कर क्यों कह रहे हैं बीजेपी को, काम वाम किया है मतलब? अच्छा, काम किया है ना, इतना तो बता। काम हमारे एरिया में तो हुआ ही ना, काम आपके एरिया में? काम हमारे में आपके एरिया में काम नहीं हुआ है? कौन सा एरिया आपका पड़ता है? क्षेत्र क्षेत्र में काम नहीं हुआ है आपके? आपसे मैं बात करना चाहूंगा, बीजेपी कह रही है 400 पार, क्या लग रहा है चलेगी नहीं चलेगी? नहीं, 400 पार तो इस बार नहीं है, रोष है जनता में, क्योंकि हमारे बीजेपी ने जो टिकट इस बार बांटे हैं, जो दिए हैं, वो पुराने ही चेहरे उतार दिए हैं। अब पुराने चेहरों के खिलाफ हमारे क्षेत्र में थोड़ा रोष भी है, क्योंकि हमारे सांसद जो हैं वो चुनावी माहौल में ही हमें दिखते हैं अपने क्षेत्र में, वरना हमारे क्षेत्र में वो हमें कभी दिखते नहीं है। मैं झूठ कहने लगूं, बीजेपी सरकार ने बोला था कि युवाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा, कोई रोजगार नहीं है। अग्निवीर कर दी, आर्मी 16 साल की थी, अब अग्निवीर कर दी 4 साल की कर दी। खास पेपर लीक का मुद्दा यूपी में है? हाँ, पेपर लीक को लेकर के बहुत ज्यादा है, लोग परेशान, जो युवा है हमारे वो बहुत ज्यादा नाराजगी जता रहे हैं इस चीज को लेकर के, और इस पे रोकथाम की जाए। पेपर लीक को लेकर मुख्यमंत्री जी ने परीक्षा तुरंत निरस्त कर दी थी, सख्त एक्शन की बात कही थी, उस एक्शन से आप लोग खुश हुए थे या नहीं? नहीं, खुश हैं, लेकिन खुशी तब होगी जब पेपर दोबारा से हो और उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी न की जाए, धांधलेबाजी ना हो पेपर में।